नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है, लेकिन इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने हिंदी और अंग्रेजी के ऐसे शब्दों वाक्यों की सूची जारी की है जिनका सदन में इस्तेमाल असंसदीय माना जाएगा। तो आज हम बताएंगे कि कौन से है वो शब्द जिनका इस्तेमाल सांसद अब नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या असंसदीय शब्दों की ये लिस्ट नहीं है या इससे पहले भी ऐसे शब्दों पर रोक लगाई जा चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट की। सबसे पहले जान लेते हैं कि नई बुकलेट में किन शब्दों को असंसदीय माना गया है। नए बुकलेट के मुताबिक तानाशाह, जुमला जीवी, जयचंद, अंतशंत, करप्ट, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना, निकम्मा, दोहरा चरित्र, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, चमचा, चमचागिरी, चेला, घड़ियाली आंसू, गद्दार, गिरगिट, गुंडा, काला दिल, बाजार, खरीद फरोख्त जैसे आम बोलचाल में कहे जाने वाले कई शब्दों को असंसदीय माना गया है। इन्हें रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये लिस्ट बनती कैसे है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से ऐसी लिस्ट समय समय पर जारी की जाती है। इन शब्दों पर आखिरी निर्णय लोकसभा या फिर राज्यसभा अध्यक्ष का ही होता है। अगर कोई सांसद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो क्या होगा, ये भी बता देते हैं। दरअसल ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं चलाया जा सकता। ऐसा संविधान के आर्टिकल 105 खंड 2 के मुताबिक होता है। लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष ही ऐसे शब्दों को अपने संज्ञान से हटवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि ये लिस्ट जारी की गई है या ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। दरअसल भारतीय संसद ने अपने बहुत से नियमों को ब्रिटिश नियमों के आधार पर बनाया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश संसद ने असंसदीय शब्दों को हटाने की प्रक्रिया 1604 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब इन शब्दों के हटाए जाने से कई विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई है और लगातार सचिवालय के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सांसद कैसे इन शब्दों के इस्तेमाल से बचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पैंकर न्यूज़ को।